I got bandages. Don't worry. बहुत अच्छा बोल रहा हूँ ना, बहुत अच्छा मार रहा है। तो यार आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद PUBG Mobile की गेम प्ले वीडियो के साथ, और ये वाली मैच की जो एंडिंग है ना काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है, और लास्ट का जो जोन है बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजरता है, तो देखना पड़ेगा यार क्या होता है लास्ट के जोन में। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो भाई ये वाला एरिया खाली करना था, और ये वाला एरिया तो खाली हो चुका था क्योंकि भाई एक ही बंदा उतरा था यहाँ पे, लेकिन सामने वाला जो एरिया है ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे उतरे होते हैं, और भाई उनकी फाइट चल रही होती है जिनमें से एक बंदे जो नॉक होता है उसका मैं किल चोरी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई शॉटगन वगैरह उठा लेते हैं क्योंकि शॉटगन वगैरह भाई बहुत ज़रूरी होती है, और ख़ास तौर पे ये वाली शॉटगन तो भाई एक शॉट में बंदा नॉक पड़ा हुआ होता है, बस ये होता है कि भाई लग जाए। अब सामने से एक बंदा गुजरता हुआ मुझे दिखता है, और थोड़ा सा खून भी दिख गया था मुझे वहाँ पे निकलता हुआ, तो मुझे पक्का पता था यहाँ पे भाई कोई बंदा बैठा हुआ होगा और उसकी एचपी वगैरह भी कम होगी और इजी नॉक हो जाएगा वो बॉम्ब से, और होता भी ऐसी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ भाई देखने के, कोई और बंदा होता नहीं है, लेकिन वो वाले जो बंदा जो होता है वो मतलब पीछे वाली साइड शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इतने सारे फुटस्टेप आ रहे थे मैं कन्फ्यूज़ हो गया, तो भाई किसको मारूँ कहाँ से मारूँ। अब यहाँ पर मेरे टीममेट जो है वो लड़ झगड़ के नॉक हो जाता है, तो देखो उनको कैसे ही मारेंगे भाई। अब यहाँ पे वो रिवाइव दे रहा होता है भाई, बिल्कुल एक ही सेकंड हुआ था कि वो रिवाइव हुआ था, और रिवाइव के साथ साथ मैंने भाई उसको नॉक किया, और नॉक के साथ साथ सीधा ही सीधा फिनिश भी कर दिया। अब यहाँ पे चांस मिल रहा था मुझे अपने टीममेट को रिवाइव करने का, तो मैंने उसको अपने टीममेट को रिवाइव दे दिया है। तो अब ये वाला बंदा क्या करता है, ऊपर वाली स्टोरी मतलब कि शिफ्ट कर लेता है और ऊपर कैंप वगैरह करना शुरू हो जाता है भाई, ऊपर से हिलता ही नहीं है वो वाला बंदा। तो अब मैं अपने टीममेट को कॉल देता हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ से जगह उनके ऊपर रश करके मार ही देंगे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ तो भाई एक ही आ रहे थे, ये बंदे होते दो हैं। तो अब राइट साइड से बड़े फुटस्टेप आते हैं, तो मेरा टीममेट चले जाता है उसको देखने। तो देखो अब मेरा टीममेट ये वाले बंदे को मार देता है। अब पता चला मुझे कि दो बंदे ऊपर घूम रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना था, थोड़ा सा स्टे वगैरह करना था, और उनके उनका चांस लेना था कि वो कौन सी गलती करें और हम लोग फ़ायदा उठाएं उसका। तो यहाँ पे भाई लूट भी कर लेता हूँ मैं, और मेरे टीम में थोड़ा सा पता नहीं क्या पीछे चले जाता है। अब देखो जैसा कैसे ही मारेंगे, अब मेरा टीम में नॉक हुआ यहाँ पे, और भाई टीममेट नॉक हुआ, तो भाई उन दोनों को मैंने इजीली भाई शॉटगन चिपका दी मुंह ही मुंह पे, और वो लोग फटाफट से नॉक और फिनिश हो जाते हैं। अब भाई थी इन दोनों की मज़ेदार लूट करने की, दबा के हमने लूट किया और फिर निकल गए हम लोग गाड़ी की तलाश में। अब यहाँ पे गाड़ी मिल गई थी, और गाड़ी उठाते हैं हम लोग और निकल जाते हैं मेरी टीम की तरफ। और अब यहाँ पे मेरे टीममेट के साथ बहुत ही बुरा सीन होने वाला है, जस्ट अब यहाँ पे देखना। मेरा टीममेट मतलब कि हम लोग जाते हैं मिडिल स्ट्रीम। एक बात तो ध्यान में रखनी होगी आपको, अगर आप लिविक खेल रहे हो तो दो ही ऐसी जगह हैं भाई जहाँ पे बंदे मिलते हैं, पावर प्लांट होती है या तो मेडिस्ट्रीन होते हैं, और ऐसा ही होगा मेडिस्ट्रीन हम लोग गए तो दो बंदे मिलते हैं जिनमें से दोनों भाई फायर करना शुरू कर देते हैं गाड़ी के ऊपर। अब उन लोगों को हमारी गाड़ी की साउंड आ गई थी, इसीलिए देखो अब मेरा टीम यहाँ पर बैठा रहेगा और कुछ करेगा भी नहीं। अब भाई वो तो सीधा सीधा नॉक के साथ फिनिश हो जाता है। अब मैं गाड़ी को थोड़ा सा जिगल दे देता हूँ ताकि भाई गोली एक आध मुझे भी ना पड़े। अब एक भी गोली अगर मुझे पड़ती ना तो मैं वहाँ पे नॉक और मतलब कि नॉक क्या सीधा फिनिश हो जाता क्योंकि मेरा डीमन नॉक हो चुका था। अब वो जो होता है वो सीधा भाई आस्तीन चढ़ा के रश कर रहा होता है, तो लाला जी को मैंने नॉक कर दिया था। अब बारी थी इसके टीममेट की, लेकिन वहाँ पे एक बॉट आ जाता है जो कि मेरा किल चोरी करने शुरू हो जाता है। अब वो बंदा पता नहीं क्या क्या कह रहा होगा बॉट को, खैर छोड़ो उसको। अब यहाँ पे जाते हैं, बॉट का भी किल मेरा चोरी हो जाता है, तो देखो वही वाला बंदा चोरी करेगा इसका टीममेट जो होता है लाला जी का।
अब इसके किल फील्ड पे नाम देख लिया होगा आपने, और ये पूरी कोशिश करता है भाई अपने टीममेट को बचाने की। अब क्या, अब थोड़ी देर तो भाई यही चलता है यार, वो फायर करता है और फिर मैं फायर करता हूँ। अब मॉली तो मैंने अच्छी की थी लेकिन थोड़ी सी आगे चली गई, मुझे लगा था भाई रोड वो पे ही गिरी जाएगी, लेकिन देखो मॉली कहाँ गिरी है जाके। अब वो वाला बंदा भी थोड़ा सा चौंक जाता है और वो भाग जाता है उस वाली जगह से। तो देखो अब वो क्या करता है, अब मुझे लगता है यहाँ पे उसके टीममेट की काफ़ी ज़्यादा लो एचपी होगी, इसलिए वो चाह रहा होता, वो चाह रहा था कि जल्दी से मैं इसको मार दूँ और मारने के साथ साथ अपने टीममेट को भी रिवाइव दे दूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखो यहाँ पे कैसे मारते हैं उसको, और इसी के साथ साथ ये वाला बंदा भाई बहुत बुरी तरह मारा जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा जिगल वगैरह दे रहा था मैं इसको ताकि, और मार दिया बस। तो ये वाले आप देख लो, और एक सेकंड में भाई बॉट ने तो बहुत ही बुरा डरा दिया था मुझे, सामने से बिल्कुल बॉट खड़ा हो गया और मुझे लगा मैं तो गया भाई अब। तो अब यहाँ पे मैं ड्रॉप की तरफ आता हूँ, ड्रॉप की तरफ से मुझे ऑग वगैरह मिल जाती है, और देखो जस्ट अब यहाँ पे अब फ्यूल वगैरह ख़त्म हो गया था। और ये वाला स्प्रे देखो और लाइक कर दो यार, वॉच आउट। ओके, और एक ही स्प्रे में दो बंदे नॉक कर दिए मैंने, और बारी थे रश करने के, पूरा स्क्वाड घूम रहा होता है इस साइड पर, तो देखो कैसे मारेंगे पूरे स्क्वाड को। अब यहाँ पे मैं नेट ट्राई करता हूँ लेकिन पता नहीं लोट हाउस पे पता नहीं क्यों हुआ होता है ये। तो अब एक बंदा लेफ्ट वाले हाउस में होता है और यहाँ पे तीन बंदे होते हैं, तो यहाँ पे मैं पूरी पूरी पूरे तीनों तीनों नेट उसके घर में घुसा देता हूँ। तो देखो दोनों नेट से भाई दो बंदे नॉक हो जाएंगे और एक शायद फिनिश भी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नॉक हुआ हुआ था वो दोबारा नॉक हो गया है रिवाइव होके, और यहाँ पर एक और बंदा नॉक हो गया। अब बारी थी रश करने की, दो बंदे बच रहे थे, दो बंदे नॉक पड़े हुए थे, तो देखो कैसे मारते हैं। अब ये गेट के पीछे पता नहीं क्या कर रहे थे वाले बंदे को, तो नॉक कर दिया, और देखो लग जाते हैं इन दोनों को नॉक, नॉक के साथ साथ सीधे फिनिश भी कर दिया है। अब इनका टीममेट, इनका जो टीममेट होता है मतलब कि ये जो भागते हुए आता है इस इन लोगों का ही टीममेट होता है, और इसको अब याद आता है कि भाई हमें मुझे ना अपने टीममेट को बचाना चाहिए। अब वो वाला बंदा भाई हिलने का नाम ही नहीं लेता, इसीलिए मैंने सोचा चलो भाई नेड वगैरह ट्राई करते हैं इसके ऊपर, मर ही जाएगा आखिरकार। लेकिन अब यहाँ पे टोटल बंदे देख लो कितने बच रहे थे, और ये वाला नाम भी देख लो जस्ट आप, ये भाई पता नहीं कौन से हिस्से नशे करके आ रहा था ये। अब यहाँ पे तीन मतलब कि तीन लोगों का स्क्वाड बच रहा था, तीन लोगों का ट्रियो बच रहा था सॉरी। तो ये थे एक ए वाले, और काफ़ी ज़बरदस्त खेल लेते ये, तो देखो इसको। अब एक बंदे को तो मैंने डाउन कर दिया यहाँ पे, अब दो लोग बच रहे थे, तो भाई दोनों ने, दोनों भाई पूरा स्टे वगैरह करके खेल लेते। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मुझे मारने का, क्योंकि यहाँ पर मैं था और जोन वगैरह भी भाई उनके फेवर में बन गया था, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा स्टे वगैरह करता हूँ और ऑम वगैरह उठा लेता हूँ, तो लूट वगैरह भी कर लेता हूँ थोड़ी सी, ताकि भाई आगे काम आ सके लूट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑम उठा लेता हूँ और एमओ वगैरह भी उठा लेता हूँ। खैर एमओ की तो सेवन की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए भाई यहाँ पे मैंने ऑम उठाई, और ये जो एके वालों का स्क्वाड था ना काफ़ी ज़्यादा बंदे मार रहा था। खैर मेरे भी यहाँ पे अच्छे खासे किल हो गए थे, 15 किल हो गए थे। अब बारी थी इन दोनों को मारने की, अब जैसे ही इन दोनों को मार दूंगा मैं तो मेरे हो जाएंगे 17 किल, और चिकन डिनर भी हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा मैं इनको मार पाता हूँ या नहीं मार पाता हूँ।
तो यहाँ पे तो क्या होता है, अब यहाँ पे वो दोनों भाई, एक बंदा लेफ्ट फुल लेफ्ट पे होता है जो कि ये वाला जो मेरे पास जो आ रहा है बंदा उसको कवर दे रहा होता है, तो देखना आप कैसे मारेंगे इनको। अब मुझे बार बार फुटस्टेप आ रहे थे इसके राइट साइड से, अब बार बार फुटस्टेप आते हैं और बार बार चले आते हैं, पता नहीं क्या हो रहा था यहाँ पे, राइट साइड से फुटस्टेप आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर राइट साइड से फुटस्टेप आते हैं फिर चले जाते हैं। अब वो बंदा यहाँ पे नीडिंग स्टार्ट कर देता है, और देखो अब मुझे डर था कि राइट साइड से मुझे ना मार दे वो, अब इतने बुरे फुटस्टेप आए कि भाई मुझे लगा वो मुझे मारने वाला है। खैर वो बिल्कुल पास में ही आ जाता है बंदा, तो देखो उसको कैसे मारेंगे। अब मैंने बिल्कुल इमेजिन किया यहाँ पे उसके वो मतलब कि नेड वगैरह कर रहा था, मतलब कि जहाँ पे उसके फुटस्टेप आ रहे थे मैंने वहीं पे कोशिश की नेड वगैरह मारने की और उसको नॉक करने की, लेकिन वो बंदा नॉक नहीं होता है। अब एक ही नेड बचा था जो कि मैं उसके फुटस्टेप ट्रैक करके उसके ऊपर फेंकता हूँ, लेकिन खैर वो डैमेज हुआ होगा लाजमी और उसके कान वगैरह भी सुन हो गए होंगे। तो अब पारी थी रश करने की, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रश कर देता हूँ, और मैंने सोचा चलो यार देखते क्या होता है, मार दिया तो मार दिया, बस मर गए तो बस। देखो जस्ट अब यहाँ पे बहुत अच्छा बोल रहा हूँ ना, बहुत अच्छा मार रहा है। अब दूसरे वाले एंड में एक हेडशॉट लग गया मेरे, पता नहीं कैसे लग गया, यहाँ पे पहाड़ी वगैरह भी बनी हुई है। उस वाले बंदे को ना नॉक किया मैंने, अब वो पेड़ के पीछे चले जाता है। अब समझ भी नहीं आ रहा था ये वाला बंदा किधर भाई लेटा हुआ है और किधर से फायर कर रहा है। अब पूरा एंड जोन बन गया था भाई जी, इस जोन के बाद मैच खत्म होने वाला था, लेकिन भाई साहब ये बंदा, मुझे सच में लिटरली नहीं पता था कि ये वाला बंदा भी इधर लेटा हुआ हो सकता है, और यहाँ पे इजी चिकन डिनर निकाल के हम लोग जीत जाते हैं। तो होप है आप सभी को बढ़िया लगा होगा ये वाला गेम प्ले, अगर तो अच्छा लगा यार लाइक करना, लाजमी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।